राष्ट्रीय गठबंधन भोजपुर द्वारा राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं व लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ भोजपुर जिला मुख्यालय के आरा में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च आरा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जिसका नेतृत्व राजद के भोजपुर जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने किया और वहीं मौके पर आयोजित सभा का संचालन भाकपा माले के कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम ने किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला पदाधिकारी के माध्यम से बिहार के राज्यपाल को भेजा। मौके पर आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि बिहार में इन दिनों जिस तरह से अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसे वर्तमान एनडीए सरकार रोकने में पूरी तरह असमर्थ साबित हुई है। सत्ता के संरक्षण और अपराध फल फूल रहा है। राज्य में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के कारण नागरिक समाज दहशत में है। अब तो घर के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। नाबालिग बच्चियां भी घर से निकलने में अपने आप को भयभीत महसूस कर रही हैं। संपूर्ण बिहार दिन ब दिन इस तरह की घटनाओं से डर के माहौल में जीने को मजबूर है। अपराध पर रोक लगाओ, जन कलाप जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। याद जी जन कलाप बिहार में जिस तरह से लूट हत्या बलात्कार और तरह के भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका पूरे इंडिया गठबंधन सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध करने का काम करेगा और करता रहेगा। जिस तरह से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता को घर में घुस करके अपराधियों ने बातों को रखेंगे तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो वरिष्ठ नेता है अशोक राम जी, मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आवे और अपनी बात को रखे। अशोक राम जी के द्वारा आयोजित प्रतिरोध मार्च के उपस्थित हमारे नव निर्वाचित सांसद माननीय सुदामा प्रसाद जी, कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे भाई राजद के जिला अध्यक्ष बीरबल यादव जी, संचालन जी ने बताया
कि आज के प्रतिरोध मार्च में वर्तमान एनडीए सरकार सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में असफलता का उन्होंने पहचान दिया है, बिहार प्रांत में आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जिला से लेकर पूरे प्रदेश तक ये मैसेज चला गया कि माननीय मुख्यमंत्री अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं है, ये जग जाहिर हो चुका है। इसलिए हम लोग प्रतिरोध मार्च के स्वरूप आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री से इस असफलता के लिए उनको जिम्मेवार मानते हुए उनसे हम लोग नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांग करते हैं कि वो बिहार चलाने में सक्षम अब नहीं है, उनका दिमाग संतिया गया है, अब उस पद से इस्तीफा दे दे और दूसरे को मौका दे। भैया जी जगदीशपुर से राष्ट्रीय जनता दल के अज्ञाओं के विधायक हैं, साथ ही कांग्रेस शिव प्रकाश रंजन जी भाकपा माले से जो निकला है कि बिहार में अमंगल राज चल रहा है। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि ये मंगल राज है, मंगल राज नहीं है, ये अमंगल राज है। जहां रोज हत्याएं हो रही है, यहां तक कि जो बिहार के राजनेता है वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या, बर्बर हत्या, जघन्य हत्या जो है 15 तारीख की रात में कर दी गई। जब एक राजनेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। 4 जुलाई को अभी बकरी में, उदवत नगर थाना के बकरी में बिरंटन रजक की हत्या कर दी गई, गोली मार के वहां भाजपाइयों ने हत्या कर दी। एक थाना में आरा ब्लॉक प्रमुख के बेटे की हत्या की गई गोली मार करके। जिन लोगों का नाम दिया गया FIR में उनका नाम हटाकर पुलिस जो है निर्दोष लोगों को फंसाना चाहती है। यह है मंगलराज, ये मंगलराज चल रहा है। चारों तरफ सोना लूट, बैंक डकैती, दुकानों में डकैती, लोगों के घरों में डकैती, हत्या, बलात्कार, ये अनवरत जारी है। ये मंगलराज की निशानी है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। और इस राज को और मजबूत बनाने के लिए पिछले दिनों केंद्र की मोदी जी की सरकार ने त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर 3 फौजदारी जो है कानून पास किए हैं, लागू किए हैं कि अब जो है धरना प्रदर्शन, जुलूस प्रदर्शन, भूख हड़ताल अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराधियों को जो सजा दी जाती है वही सजा आंदोलनकारियों को भी दी जाएगी। अब FIR थानेदार के विवेक पर निर्भर होगा कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही गरीब का FIR नहीं दिया जाता है। पुलिस जो है 15 दिन के बजाय अब 60 दिन से 90 दिन तक किसी भी आरोपित व्यक्ति को थाने में बैठा कर रख सकती है। 90 दिन में तो कोई भी किसी से कुछ भी उगलवा सकता है। अपराधियों के सिर पर सरकार का हाथ है। सरकार चाह दे तो अपराधी रोड पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। बैंक दुकानों में डकैती की बात तो दूर है, गरीब गुरबों की हत्या की बात तो दूर है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे अपने पद से। मैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जो पार्टी के महासचिव हैं, कॉमरेड शशि यादव जो नवनिर्वाचित MLC हैं, कॉमरेड धीरेन्द्र झा जो पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, कॉमरेड बैजनाथ यादव जो दरभंगा जिला के सचिव हैं, उनके साथ 17 तारीख को शोक संतप्त मुकेश साहनी जी के घर पर जाकर के हम लोग उनसे मिले, उन्हें सांत्वना दिए और कहे कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए SPD ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरा गठबंधन सड़कों पर उतरेगा। 17 तारीख को ही 2 बजे महागठबंधन दलों की मीटिंग थी। ओके और सीट के बाद इसको।